हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रीनाज रसोई। फ्रेंड, आज बनाने जा रही हूँ छाछ वाली अरवी की सब्जी। छाछ जिसे कई जगह माठा भी बोला जाता है और कई जगह इस सब्जी को दही वाली सब्जी भी बोला जाता है, तो मैं इसे आज छाछ से बनाऊंगी। और अरवी को मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है। अरवी आपको देख लीजिए, इसी तरह की अरवी लेनी है। एक पतली पतली सी आती है, लंबी सी, उसमें आप देखना छोटे छोटे छेद से होते हैं। वो क्या है, बॉईल करने पर भी टाइट बनी रहती है। तो अरवी आपको देख के लेनी है। इस तरह से गोल गोल जो अरवी होती है वो बहुत ही अच्छी निकलती है अंदर से। तो ये देखिए, अरवी को मैंने छील लिया है और अरवी आप देख लीजिए। और अरवी मेरी छिल चुकी है, तो अब मैं इसके पीस कर लूँगी, इसके लंबे लंबे पीस कर लूँगी। आप चाहो तो इसके गोल पीस भी कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहे वैसे इसके शेप कर लीजिए। मैंने इसको लंबा लंबा कट कर लिया है। देखिए, अरवी मेरी कट हो चुकी है, तो अब इसके कर लेते हैं बनाने की तैयारी। तो मैंने इधर ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और मैंने ये डाल दिया है अजवाइन, आप अजवाइन की जगह मेथी भी डाल सकते हैं। और हींग डाल दी है और दो कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। और अपना रेगुलर मसाला ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। नमक अभी ऐड नहीं किया है, नमक बाद में ऐड करेंगे। और देखिए, अपनी अरवी को अच्छे से कोट कर लिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसमें। और पानी जब इसमें खोल आ जाएगा उसके बाद अपना छाछ ऐड करेंगे। ये देखिए, अब खोल आ गया है इसमें, तो अब मैंने अपना छाछ भी ऐड कर दिया इसमें। इसको चलाते रहिए, अगर आप बीच में चलाना बंद कर देंगे तो ये क्या है, छाछ ना फटने का वो रहता है। कई लोग इसमें बेसन डाल के बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि ये फटे ना, बट आप ऐसे चलाते रहेंगे तो बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको जब खोलने लग जाए तभी आपको छोड़ना है, वरना ये फट सकता है। और जब खोलने लगेगा तभी इसमें नमक ऐड करना है, तो कभी आपकी छाछ की सब्जी ऐसे नहीं फटेगी। वही देखिए, थोड़ा सा नमक डालने के बाद भी और चलाएं। गैस का फ्लेम स्लो करके आप 8-10 मिनट तक इसको ऐसे ही खोलने दीजिए। ये देखिए, सब्जी मेरी बनकर हो गई है तैयार। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इस सब्जी को पूड़ी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, या ऐसे ही रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह सब्जी। आप भी बनाकर देखिए। और अगर आप बेसन इसमें ऐड कर देंगे तो थोड़ा ना थिक हो जाती है सब्जी, इसलिए मैंने बेसन ऐड नहीं किया। अगर आपकी सब्जी फट जाती है बाई चांस कभी, तो आप उसमें बेसन थोड़ा सा पतला सा घोल के डाल दीजिए, तो सब्जी सही हो जाती है। ये टिप्स है, अगर कभी फट जाती है आपकी सब्ज़ी तो बेसन डाल दीजिए आप। और हाँ, छाछ इसमें डालते वक्त आप छाछ को थोड़ा टेस्ट भी करके देख लीजिए, कहीं ज़्यादा खट्टा ना हो। ज़्यादा खट्टे होने पर सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। सो फ्रेंड, कैसी लगी छाछ वाली अरवी की सब्जी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।